नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम शर्मा और आप देख रहे हैं टीचर बाय पैशन। दोस्तों आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर की सेकंड क्लास करने वाले हैं, और अगर आपने फर्स्ट क्लास अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सर आज हम कुछ टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, कुछ नए टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, और जहां पर मैं आपको बता दूं कि आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है इंडिफरेंसिव पॉइंट। देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने लास्ट क्लास तक क्या पढ़ लिया था, लास्ट क्लास तक पढ़ लिया था कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, वहां पे हमको सेलेक्ट करना होता है कि भाई हम किस ऑप्शन को चूज़ करें ताकि जो कंपनी का जो प्रॉफिट है, यानी जो कंपनी के मेंबर्स हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर है, उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। तो हम जहां पर हायर ईपीएस आता था उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते थे अपने कंपनी के लिए। तो आज हम देखने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है इंडिफरेंसिव पॉइंट। ठीक है, तो सर जहाँ पर क्या कहते हैं, जहाँ पर हम कुछ ऑप्शंस को सेलेक्ट करना होता है, मान लीजिए जैसे ऑप्शन वन और ऑप्शन टू, हमारे पास दो ऑप्शन आ चुके हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमें क्या सेलेक्ट करना होता था कि भाई जिसका ईपीएस हायर आएगा वो वाला ऑप्शन जीत जाएगा, जिसका हायर आ गया ईपीएस वो सेलेक्ट हो जाएगा और जिसका कम आएगा वो हट जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भाई दोनों अलग अलग ऑप्शन का जो ईपीएस है वो सेम आ जाए, यानी सेम ईबीआईटी लेवल आ जाए, ताकि जो हमारा ईपीएस लेवल है वो भी सेम हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर मैं बात करूँ इनडिफरेंसिव पॉइंट का मतलब यही हो गया कि इट इज़ द लेवल of EBIT at which EPS of different capital structure options will be same, यानी कि इसका मतलब हो गया कि एक ऐसा EBIT level जिस पर अलग अलग option के भी EPS same आए, ठीक है, तो उस चीज़ को बोलते हैं इनडिफरेंस। यानी किसी ऑप्शन में अगर ईपीएस हमारा सेम आ रहा है तो हम इनडिफरेंस हो जाएंगे, यानी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि भाई दोनों में अल्टीमेटली कमाई हमारी सेम आने वाली है। तो यहाँ पर इनडिफरेंस पॉइंट में ईपीएस वन किसके बराबर हो जाएगा, ईपीएस टू के। और अगर मैं इसको फॉर्मूला लिख दूँ कि कैसे ये आता है ईपीएस, तो सर देखिए सबसे पहले ईबीआईटी होती है, ईबीआईटी EBIT में से क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट। यहाँ पे इंटरेस्ट वन दे देता हूँ कि अलग अलग केस का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, ठीक है, तो EBIT वन हो गया। और इसमें से क्या माइनस कर देते हैं हम, टैक्स माइनस कर देते हैं, टैक्स माइनस कर दिया हमने, और फिर इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद क्या आता है, जो बचता है उसको किससे डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स से, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इसको मैं देता हूँ और नंबर वन, ये यानी ऑप्शन वन के अंदर शेयर अलग हो सकते हैं, ऑप्शन टू में अलग हो सकते हैं। ईबीआईटी अगेन उसमें से माइनस कर देंगे, दूसरे ऑप्शन का जो अगर इंटरेस्ट रेट अलग है तो दूसरे ऑप्शन का इंटरेस्ट रेट, और टैक्स, फिर अगेन प्रेफरेंस डिविडेंड, यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड टू हो जाएगा, यहाँ पे वन हो जाएगा, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। तो देखिए सर, ऐसा EBIT लेवल जहां पर हमारे EPS सेम हो, तो भाई EPS हमने सेम लिखा
और उसका फॉर्मूला लगा दिया ईपीएस का। ईपीएस का फॉर्मूला ऐसे होता है, मतलब पूरा स्टेटमेंट वाइज होता है, हमने उसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। तो भाई ईपीएस हमारा, ईबीआईटी हमारा सेम था, तो हमने उसके अंदर कोई चेंज नहीं किया। बाकी इंटरेस्ट के एक ऑप्शन में अलग होता है, दूसरे ऑप्शन में अलग होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड अलग होता है, अलग होता है, नंबर ऑफ शेयर्स भी अलग होते हैं, तो हमने अलग अलग लिख दिया। फिर ठीक है, उसको सॉल्व करने के बाद सेम ईबीआईटी रहेगा, तो ईबीआईटी हमारा इनडिफरेंसिव पॉइंट का ईबीआईटी निकल आएगा, यानी वो लेवल निकल आएगा ईबीआईटी का जहाँ पर ईपीएस और ईपीएस हमारे दोनों ऑप्शन के सेम रहेंगे। तो चलिए फटाफट से एक क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं अपने इंडिफरेंसिव पॉइंट से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चंस हमसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए सर, अगर आपको 21 क्वेश्चन दिख रहा है तो मैं आपको तो पढ़ लीजिए, वरना मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। और साइड में देखिए ये लिखा हुआ है May 03, यानी ये 2003 का क्वेश्चन है जो IPCC में आया हुआ है। तो देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड आपको इस क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि आपको इनडिफरेंसिव पॉइंट से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और आप ये भी देख पाएंगे कितना इजी है ये। कैलकुलेट द लेवल ऑफ ईबीआईटी, यानी हमें वो लेवल ऑफ ईबीआईटी कैलकुलेट करना है जिस पर ईपीएस इनडिफरेंसिव पॉइंट बिटवीन फॉलोइंग फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव विल अकर। यानी भाई हमें जो नीचे दो ऑप्शन दिए गए हैं कि हम एक ऑप्शन से पैसा उठाएं या दूसरे ऑप्शन से उठाएं, हमें उन दोनों के अंदर एक ऐसा ईबीआईटी फाइंड आउट करना है जहां पर दो एक ऐसा ईबीआईटी लेवल पता करना है जहां पर ईपीएस दोनों का सेम आएगा, यानी जहां पर कमाई दोनों की सेम होगी। तो भाई ये बोला गया है ईपीएस जो इक्विटी जो शेयर हैं ये 6 लाख रुपये के होंगे और इसके अंदर 12% के 4 लाख रुपये के डिबेंचर होंगे, या फिर क्या हो जाएगा इसका जस्ट अपोजिट कि भाई इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख के हो जाएंगे और 14% प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर दिए जाएंगे और 12% के डिबेंचर इशू कर देंगे 4 लाख के। तो देखिए 6 4 10, यहाँ पे भी 4 4 8 2 10, यानी 10 लाख रुपए की फंडिंग करनी है हमें, लेकिन दो ऑप्शन है हमारे पास। ये बोल रहे हैं कि अज्यूम कर लीजिए जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो है 35% एंड पर वैल्यू इक्विटी है 10 रुपीज़ की, ठीक है। तो सर यहाँ पर हमें पता चल चुका है कि सारी बातें कि हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। अब फटाफट से अपने आंसर शीट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करना है और फाइंड आउट करना है वो लेवल जहाँ पर सेम ईबीआईटी होता है दोनों केसेस के अंदर। तो देखिए क्वेश्चन करने जा रहे हैं और देखते हैं हमको क्या फाइंड आउट करना है। हमको फाइंड आउट करना है भाई ईपीएस ईबीआईटी फाइंड आउट करना है जहाँ पर हमारा क्या हो EPS 1 हमारा इज इक्वल टू दूसरे ऑप्शन के EPS के बराबर, यानी हमारे एक ऑप्शन का पहले ऑप्शन का EPS जो बराबर होना चाहिए दूसरे ऑप्शन के, वो लेवल हमें पता करना है। तो देखिए फटाफट से मैं आपको क्विकली रिवाइज कराता हूँ कि भाई हमारे पास दो ऑप्शन थे। पहले ऑप्शन में क्या था, पहले ऑप्शन में भाई इक्विटी हमने इशू कर रखी थी 4 लाख रुपीज़ की, सॉरी पहले ऑप्शन में हमने 6 लाख रुपीज़ की इक्विटी इशू करी थी और फिर डिबेंचर इशू किया था 12% का 4 लाख का, ठीक है। और जो ऑप्शन टू था हमारे पास, ऑप्शन टू में क्या क्या चीज़ था, हम ऑप्शन टू में इक्विटी था, प्रेफरेंस शेयर था और साथ साथ डिबेंचर थे। तो भाई जो इक्विटी शेयर थे वो भी हमारे 4 लाख के थे एंड अगेन 2 लाख रुपीज़ का हमारे पास प्रेफरेंस शेयर हो गए। प्रेफरेंस शेयर कितने परसेंट वाले थे, प्रेफरेंस शेयर थे 14% वाले, ठीक है, और 12% वाले अगेन डिबेंचर इशू हो गए थे 4 लाख के। तो ये चीज़ दिया हुआ था, ठीक है ना। अब फटाफट से देख लेते हैं इनसे हमारा क्वेश्चन कैसे निकलेगा। देखिए ऊपर अगर आपको ये फॉर्मूला दिख रहा होगा, अगेन ये फॉर्मूला लगा देंगे, यानी हमें एक ऐसा लेवल चाहिए जहाँ पे EPS सेम आ रहा हो। तो EPS 1 का कर देंगे बराबर EPS 2 के, ठीक है। अब दोनों का फॉर्मूला लगा देंगे और कर देंगे इसको सॉल्व। देखिए EPS में हमें क्या चाहिए, पहले EBIT में से माइनस होना चाहिए इंटरेस्ट। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट जो ऑप्शन वन है उसके अंदर कितना है, 4 लाख का 12% कितना होगा, 12 चौक 48,000। टैक्स रेट ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला गया है कि 1-35% रख लीजिए, ठीक है, ये हो गया। प्रेफरेंस डिविडेंड भाई इसके अंदर है नहीं, और इसमें बोला गया है जो एक शेयर की वैल्यू आप मान लीजिए 10 रुपीज़, यानी 6 लाख रुपए के शेयर हैं, तो 10 रुपए का एक होगा, तो यानी 60,000 रुपीज़ के शेयर हो गए हमारे पास, ठीक है। इक्वल्स टू अगेन यहाँ पे EBIT और ऑप्शन टू का इंटरेस्ट कितना है इसके अंदर, 4 लाख अगेन,
48,000 रुपीज़ एंड अगेन सेम वही 0.35। लेकिन अब इसके अंदर क्या चीज़ हो जाएगा, माइनस हो जाएगा एक एक्स्ट्रा चीज़, क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड होगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर है। तो 14% से 2 लाख के कितने हो गए, 28,000, ठीक है। एंड नाउ अब डिवाइड कर देंगे इक्विटी शेयर, देखिए इक्विटी शेयर यहाँ पे 10 रुपये के ईच से 4 लाख थे, यानी यहाँ पे 40,000 हो गए, 40 से 40 चले गए। अब बाकी सॉल्यूशन कर लीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर देखिए 0.65 EBIT आ जाएगा, एंड सॉरी एंड जब इससे ये 50,000 का जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 48,000 का 0.65 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 11,200 आ जाएगा, और अपॉन में यहाँ पे आपका 6 चल रहा था। EBIT अगेन देख लीजिए, जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 0.65 आ जाएगा, और अगेन जब इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 31,000। 31,000 में 28,000 जब माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 31,000 आ जाएगा, और 31,000 माइनस के हो जाएगा तो इसके अंदर ये मतलब ऐड हो जाएगा 59,200, और डिवाइड में 4 चल रहा था, ठीक है। तो देखिए इससे भी इसको कट कर लीजिए, 2 3 2 2, ठीक है। नाउ अब इसको आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आप तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये हो गया आपका 6 और इसको हो जाएगा 77,666 ये हो जाएगा। एंड नाउ इसको आप इधर ले जाइए, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब इसके आगे कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे, तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका E बराबर क्या आ जाएगा, E बराबर जब सॉल्व कर लेंगे आपका, तो EBIT बराबर आ जाएगा ये 177,231। यानी सर ये EBIT जो लेवल है आपका 1,77,231, ये वो लेवल है जहाँ पर EPS दोनों का सेम आएगा, और EPS यहाँ पर कितना आएगा, EPS आप रख देंगे तो फाइंड आउट करने के लिए, तो दोबारा 140 आ जाएगा, यानी E की जगह पे आप ये रख दिए और सॉल्व करके देख लीजिए, EPS बराबर 1.40 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किस तरह से इससे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं 2003 का भी अभी हमने क्वेश्चन करके देख लिया, तो चलिए आप फिर से न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, और बात करते हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट की। देखिए अगर आपने मेरी पुरानी क्लासेस देखी होंगी, जैसे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, तो उसके अंदर लेवरेजेस की और कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, तो उसमें हमने बात कर रखा है लेवरेजेस के अंदर कि फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। बहरहाल मैं दोबारा से यहाँ पर डिस्कस ज़रूर करूँगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, लेकिन अगर आप वो क्लासेस भी आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट की, ब्रेक इवन पॉइंट, फाइनेंशियल BEP। देखिए ये क्या होता है, ये फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है कि जहाँ पर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को पे करने के बाद कंपनी के पास कोई प्रॉफिट नहीं बचता, यानी 0 रुपीज़ बचते हैं। तो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं कंपनी के, देखिए फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कंपनी के, एक तो इंटरेस्ट होता है, उसके साथ साथ प्रेफरेंस डिविडेंड होते हैं, ठीक है। और प्रेफरेंस डिविडेंड सर जी हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होते, बल्कि ये टैक्स के पैसे पे करने के बाद पे किए जाते हैं, यानी ये टैक्स का बर्डन कम नहीं करते बल्कि और बढ़ा देते हैं, यानी जो हमारी गाढ़ी कमाई यानी टैक्स पे करने के बाद जो अमाउंट बचा उसमें से पे किए जाते हैं, तो यानी इनडायरेक्टली ये हमें टैक्स में और बर्डन फील कराते हैं, तो इसलिए जितना टैक्स का बर्डन लगता है उतना इनके ऊपर दोबारा से चढ़ा देंगे। यानी कि ये चीज़ जो हमारे दो अमाउंट आए लिख के, ये हमारे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस का मतलब हो गया फाइनेंशियल लिवरेज से संबंधित रखते हैं। अगर हम लोन नहीं लेते, प्रेफरेंस डिविडेंड इशू नहीं करते, तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास नहीं आती, ठीक है। तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ही यही है कि भाई ऐसा EBIT लेवल जहाँ पर सारे के सारे
इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड यानी हमारे सारे सारे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस पे करने के बाद आपका जो प्रॉफिट बचे वो ज़ीरो हो जाए। तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब आप तो आपको पता होगा कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे अगर मैं सेल्स के बारे में बात करूँ तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब कोई ना प्रॉफिट कमा रहा ना कोई लॉस लॉस हो रहा, ठीक है। तो इसी तरह से फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में भी यही होता है कि सारे के सारे एक्सपेंसेस पे करने के बाद सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा। तो मैं इसको ज़रा थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में लिखवा देता हूँ आपको। इट मीन्स इसका मतलब द लेवल ऑफ EBIT, लेवल ऑफ EBIT एट विच जिसपे EPS क्या हो जाएगा आपका ज़ीरो, EPS इज इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ये होता है कि भाई ऐसा सारे के सारे एक्सपेंसेस पे करने के बाद आपके फाइनेंशियल एक्सपेंस पे करने के बाद EPS ज़ीरो हो आ जाए। तो अब ये फाइंड आउट कैसे होता है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, तो फाइनेंशियल देखिए बहुत आसान सी बात है कि जब हमें अपने EBIT यानी जहाँ से इन दोनों को पैसा पे करना है केवल इतना पैसा हो कि इंटरेस्ट पे हो जाए और प्रेफरेंस डिविडेंड पे हो जाए। तो सिंपल सी बात ये है कि हम अपने EBIT के अंदर जितना, मान लीजिए अगर हमें 100 रुपीज़ इसको पे करना है, 250 रुपीज़ इसे पे करना है यानी 350 होने चाहिए। तो यानी हमारा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो जाएगा कि अगर हमारा EBIT में 350 रुपीज़ पड़े होंगे तो वो हमारा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा क्योंकि उसको पे करने के बाद हमारे EPS ज़ीरो हो जाएगा। तो एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर हमें फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए तो इन्हीं दोनों के अमाउंट को ऐड कर दो ताकि, क्योंकि हमें ये पे यही करना है तो केवल इतने ही पैसे हमारे EBIT में हो तभी पता चल जाएगा हमें कि भाई EBIT लेवल जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट का फाइनेंशियल वाला कितना होना चाहिए। तो सिंपल सा फॉर्मूला इसका बन गया कि फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड और टैक्स का बर्डन इसके ऊपर चढ़ा दो। बस इन दोनों का अमाउंट का ऐड करने पे आपका आ जाएगा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट्स, ठीक है। तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब हमें समझ में आ चुका है कि भाई ऐसा EBIT लेवल जहां पर हमारा EAS या फिर EPS ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट समझ में आ गया। अब इसका फटाफट से एक ग्राफ देख लें क्योंकि ग्राफ कभी कभी आपको ग्राफ एक डायग्राम बनाने को भी आ सकता है कि भाई EBIT इन डिफरेंस कर्व का हमें इन डिफरेंस कर्व और ब्रेक इवन पॉइंट का ग्राफ बना के दिखाइए। तो देखिए अभी अभी हमने यहाँ पर इन डिफरेंस कर्व पढ़ा जहाँ पर EPS हमारा EPS 1 EPS 2 यानी एक ऑप्शन का EPS दूसरे EPS के बराबर होता है, दूसरे ऑप्शन के EPS के बराबर होता है। एंड सेकेंडली हमने यहाँ पे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ा कि जहाँ पर हमारा EBIT लेवल वो होता है जहाँ पर EPS हमारा क्या होता है ज़ीरो हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए फटाफट से मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ जहाँ पर हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाएँ। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया ज़ीरो। देखिए यहाँ पर होता है आपका EBIT और इधर होता है आपका EPS, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट की। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है जहाँ पर आपका ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पर आपका EBIT ऐसा इस लेवल पर होता है कि वो ज़ीरो और ज़ीरो हो जाए, ठीक है ना। यानी कि जहाँ पर EPS आपकी कमाई बिल्कुल ज़ीरो हो जाए यानी वो लेवल। तो मान लीजिए ऑप्शन वन का जो ब्रेक इवन पॉइंट इधर है और ऑप्शन टू का ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन ऑप्शन वन, ये हो गया ऑप्शन टू, और ये दोनों क्या चीज़ें हैं आपके, ये दोनों हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। ये चीज़ हो गया यानी EBIT पे आपका ज़ीरो हो गया इसलिए ये फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। अब ये जो ऑप्शन वन का जो EPS है और दोनों की कमाई वो अगर मैं ऊपर बढ़ाऊँगा यानी कमाई अगर जैसे आगे बढ़ेगी इधर और ये इधर जाके, तो जिस लेवल पे ये लोग मीट करते हैं यानी EPS इज इक्वल टू EPS 1 इज इक्वल टू EPS 2 यानी ऑप्शन 1 का EPS और ऑप्शन
टू का ईपीएस, जिस जगह मीट करते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं इनडिफरेंसिव पॉइंट। तो सर जी हमें एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ चुकी है कि ये सेकंड ऑप्शन है और ये ना फर्स्ट ऑप्शन है, और ये जो पॉइंट है ये है इनडिफरेंसिव पॉइंट। जहाँ पर ईपीएस दोनों ऑप्शन के ईपीएस सेम हो जाते हैं उस पॉइंट को इनडिफरेंसिव पॉइंट बोला जाता है, और ये आपका ईबीआईटी होता है, इधर मतलब ये पूरा ईबीआईटी है, ठीक है। तो ये कुछ लेवल डायग्राम बन चुका है, और बात करेंगे कब कब कौन कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो देखिए अगर इनडिफरेंसिव पॉइंट से नीचे रहते हैं वो आपका ईपीएस लेवल, तो यानी अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, फर्स्ट वाले में क्या होगा, अगर ईबीआईटी जो है आपका वो ज़्यादा होता है, बड़ा होता है इनडिफरेंसिव पॉइंट से, ईबीआईटी देखिए इनडिफरेंसिव पॉइंट से बड़ा है ना, तो क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आप, सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन वन, क्योंकि ऑप्शन वन देखिए बड़ा जा रहा है, ठीक है। एंड सेकंड अगर मैं बात करूं, अगर जहां पर ईबीआईटी क्या हो जाएगा, ईबीआईटी जो आपका बराबर हो जाएगा इनडिफरेंसिव पॉइंट के, इनडिफरेंस पॉइंट पे, तो भाई चूज कर लीजिए एनी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि सभी के सभी जो हमारे ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंड थर्ड पॉइंट है जो हमारा, वो क्या है, वो थर्ड पॉइंट ये है हमारा कि जहां पर ईबीआईटी बड़ा हो जाएगा किससे, इनडिफरेंसिव पॉइंट से, तो फिर कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट होगा, ऑप्शन टू। डोंट वरी, अभी हम इसके क्वेश्चन करेंगे तब अच्छी तरह समझ आएगा, लेकिन देख लीजिए यहाँ पे ईबीआईटी जब हमारा इनडिफरेंसिव पॉइंट से छोटा होगा तो ऑप्शन वन सेलेक्ट कर लेंगे, दोनों अगर मीट कर जाएंगे तो भाई एनी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, जहाँ पर और ईबीआईटी अगर इनडिफरेंसिव पॉइंट से बड़ा हो जाएगा तो ऑप्शन टू सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ओके, तो ये था हमारा इनडिफरेंसिव पॉइंट का डायग्राम, या फिर आप कह सकते हैं ग्राफ, कर्व, जो कुछ भी कहना हो, मतलब कि इसको, ये हो गया आपका क्वेश्चन पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको भी केयरफुली राइट डाउन कर लीजिएगा और अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा।